जिस उम्र में व्यक्ति अपनी पढ़ाई करता है या कॉलेज जाकर मस्ती और घूमना फिरना पसंद करता है, उस उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। जहां लोगों को स्टार्टअप करने में आधी जिंदगी निकल जाती है, वहां सिर्फ 21 साल की उम्र में 360 करोड़ की कंपनी बनाना तारीफ के काबिल है। तो आइए जानते हैं संघर्ष से सफलता की सच्ची कहानी, जिसे पढ़कर शायद आपकी जिंदगी में भी थोड़े बहुत बदलाव आ जाए। दोस्तों, आपने ओयो के बारे में तो सुना ही होगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति और ओयो रूम के संस्थापक 27 वर्षीय रितेश अग्रवाल के बारे में, जिन्होंने अपनी किस्मत को खुद लिखा और ये बता दिया कि काम को शुरू करने के लिए कोई उम्र या पैसों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जरूरत होती है एक अच्छे आइडिया की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है श्लोक, वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल ट्रूजिला में। आज हम बात करने वाले हैं रितेश अग्रवाल की सफलता के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो में रितेश अग्रवाल के बारे में। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा राज्य में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही जिले के एक स्कूल से की और अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और वहां के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी से बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश ले लिया। लेकिन रितेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, रितेश अग्रवाल एक ड्रॉप आउट है। रितेश बचपन से ही स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग को अपना आदर्श मानते थे और उनकी तरह ही लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे। ओयो रूम्स की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि रितेश को ट्रेवल्स करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन रूम की व्यवस्था करने में बहुत परेशानी होती थी। कभी उन्हें ज्यादा पैसे देकर खराब रूम मिलता और कभी कम पैसे में ही उनको अच्छा रूम मिल जाता था। बस यहीं से रितेश के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की जाए और लोगों को किफायती रेट में अच्छे रूम दिलवाए जाएं। साल 2012 में रितेश ने ओरेवल स्टेज नाम से एक ऑनलाइन रूम बुकिंग करने की कंपनी खोली थी, जिसका उद्देश्य लोगों को कम दाम में अच्छे रूम्स प्रोवाइड कराना था। कंपनी के शुरू होने के कुछ समय बाद ही उन्हें नए स्टार्टअप में निवेश करने वाली वेंचर नर्सरी नाम की कंपनी से 30 लाख रुपए का फंड मिला। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छे फंड हो गए थे। रितेश ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए थेल्स फेलोशिप, जो कि पेपाल कंपनी के सह निर्माता थेल्स के द्वारा रखी गई एक प्रतियोगिता में अपने इस आइडिया को रखा और किस्मत से उन्हें इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान मिल गया और अपनी कंपनी के लिए 65 लाख रुपए की फेलोशिप भी मिल गई। बहुत ही कम समय में मिली इस सफलता से रितेश बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल रहा था जो रितेश ने सोचा था और ओवरऑल स्टेक घाटे में चली गई। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया कि रितेश को अपनी कंपनी को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। रितेश ने अपने स्टार्टअप के असफल होने पर निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आइडिया पर दोबारा सोचा जाए और इसकी कमियों को दूर किया जाए। इसके बाद रितेश ने सोचा कि इंडिया में रूम कम दाम पर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी सुख सुविधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए रितेश ने साल 2013 में अपनी कंपनी ओरेवल स्टे को फिर से एक नए नाम के साथ शुरू किया। अपनी कंपनी का नाम उन्होंने ओयो रूम रखा, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। रितेश अपनी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिजनेस के कुछ और गुण सीखे जिससे उन्हें उनकी कंपनी के लिए फैसले लेने में मदद मिले। रितेश को उनकी मेहनत का फल भी मिला और वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। किफायती दामों में अच्छे रूम की सुविधा वाला आइडिया ट्रेवलर्स को बहुत पसंद आया। 2014 में दो बड़ी कंपनियों ने LSV यानी कि लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और DSG यानी कि कंज्यूमर पार्टनर्स ने रितेश की कंपनी में 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और फिर साल 2016 में जापान की कंपनी SoftBank ने 7 अरब का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। 2 जुलाई 2016 को एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन GQ ने 50 महत्वपूर्ण युवा उद्योगपतियों की लिस्ट में रितेश का नाम भी शामिल किया। इस लिस्ट में सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जाता है जो अपने नए आइडिया से लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। इसके अलावा हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक रितेश विश्व के दूसरे सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर हैं।
अभी उनकी उम्र 27 साल है। नंबर वन पर इतने समय काइली जेनर है जिनकी उम्र मात्र 22 साल है। रितेश की जिंदगी के संघर्ष और सफलता की कहानी से आज ये तो समझ आ गया होगा कि बड़ा बनना है तो बस एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है जो सबसे अलग हो और लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सके। और दोस्तों अंत में देखा जाए तो रितेश की सफलता की कहानी हर युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रूजिला को सब्सक्राइब करिएगा।